और अब हम आपको एक ऐसे युद्धाभ्यास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अभी तक न सुना गया न ही देखा गया था। ये युद्धाभ्यास पानी और जमीन में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुआ। फ्रांस ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाने के लिए एक ऐसा युद्धाभ्यास किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आमतौर पर सेनाएं मैदानों और समुद्रों में युद्धाभ्यास करती हैं, लेकिन फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास कर इतिहास रच दिया है। अभ्यास के दौरान 18 स्पेस मिशन की टेस्टिंग की गई। इस अभ्यास को एस्टर एक्स 2021 नाम दिया गया, जो 1965 में छोड़ी गई फ्रांस की पहले सैटेलाइट के नाम पर है। दरअसल फ्रांस अंतरिक्ष में अभ्यास कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस पावर बनना चाहता है। इसके तहत उसने स्पेस में जासूसी और एंटी सैटेलाइट्स का पता लगाया। श्रीलंका सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का फैसला लिया है। श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री सरत विरासेकेरा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। श्रीलंका में बहुत जल्द मुस्लिम महिलाएं बुर्के में नजर आएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने यहां बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री सरत विरासेकेरा ने खुद इसकी जानकारी दी है और इस संबंध में एक पेपर पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। इसके अलावा सरकार 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों पर रोक लगाने की योजना बना रही है। आपको बता दें, श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई सारे देश बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्के के पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। और वहीं सिंगो बॉर्डर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने टेंट हटाकर पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। फिलहाल पुलिस ने पक्के मकानों का काम रुकवा दिया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान किसानों ने टेंट और ट्रैक्टरों को अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब प्रदर्शनकारी किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पक्के मकानों की नींव रखनी शुरू कर दी है। पक्के मकान बनाने के इस मामले में जब कुंडली नगर पालिका के अधिकारियों ने शिकायत की तो मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद मकान का निर्माण कार्य रुकवाया गया। पुलिस ने किसानों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। किसानों द्वारा बनाए जा रहे पक्के मकानों का ये मामला फिलहाल चौंकाने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।